हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं, चलिए पूरी डिटेल में देखते हैं। हम लोग का दो टेंस कंप्लीट हो चुका है, दो टेंस में हम लोग देख ले कि किस तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं। पहला हम लोग देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा देखें सिंपल पास्ट टेंस, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो चलिए देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। ओके, चलिए सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस क्लियर है। तो आज हम लोग देख रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस। सिंपल फ्यूचर टेंस में पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं, आज हम लोग पूरे डिटेल में देखते हैं, ठीक है। यस, पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देखते हैं। एक्टिव वॉइस ए बी यानी एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सेल या विल प्लस वर्ब वन यानी वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लियर है। तो ये हम लोग का सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्लियर है। जैसे कि राम विल गो टू मार्केट, दे विल प्ले फुटबॉल, आई विल लर्न इंग्लिश, माई मदर विल कुक फूड, ये जो है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस तरह से होगा। इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा सेल या विल, सेल या विल, एक तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस बी आएगा, बी प्लस वी थ्री वर्ब का तीसरा फॉर्म, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यस, ये हम लोग का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला और ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्लियर है। हम लोग दोनों देख लिए एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट क्लियर है। ये हम लोग का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस का, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सेल या विल प्लस बी प्लस वी थ्री यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप क्लियर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल राधिका, राधिका विल, विल लर्न इंग्लिश, राधिका विल लर्न इंग्लिश, राधिका अंग्रेजी सीखेगी। ये जो सेंटेंस ये हम लोग एक्टिव वॉइस का, किसका है, एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें डूअर का भाव और डूअर पता चले कि कौन कर रहा है, क्लियर है। हम लोग इसका पीवी बनाएंगे, सीखेंगे पीवी यानी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, नहीं सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। यानी ये क्या होगा सब्जेक्ट, ये हम लोग क्या है, हम लोग ये जो है ये इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये हम लोग का वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब जो कि हेल्प कर रहा है, और ये मेन वर्ब है, क्लियर है, क्लियर यहाँ तक हम लोग सब देख लिए। यस, तो सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश हम लोग इधर आ जाएगा, तो इंग्लिश क्या बन गया, सब्जेक्ट इंग्लिश। देखिए पहले क्या था, आई और वी के साथ सेल लगता था, बट अभी ऐसा नहीं, चाहे जो भी आए, आई आए, वी आए, दे आए, ही आए, सी आए, इट आए, कुछ भी आए, सब के साथ हम लोग विल के, विल बी का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, विल बी, क्लियर है। यानी क्या होगा इंग्लिश, अब इंग्लिश के साथ यहाँ पर वर्ब हम लोग क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है ना, इंग्लिश विल बी, इंग्लिश विल बी क्लियर हुआ। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, वर्ब आया, उसके बाद वी थ्री, लर्न मतलब होता है सीखना, और लर्न का वी थ्री होता है लर्नड, लर्नड, तो इंग्लिश विल बी लर्नड, एल ई ए आर एन टी, लर्नड, इंग्लिश विल बी लर्नड क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, बाय आएगा, किसके द्वारा, राधिका, राधिका का कोई चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ पर ही सी ईट या कुछ भी आता तो चेंज होता, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ही आता तो यहाँ पर हीम हो जाता, तो क्या बन गया हम लोग का, यहाँ पर क्या, ये जो हम लोग का ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो क्या बन गया, इंग्लिश विल बी लर्नड बाय राधिका, राधिका के द्वारा अंग्रेजी सीखी जाएगी, क्लियर है। हम लोग एक तो एग्जाम्पल देख लिए, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम लोग पूरी तरह से डिटेल में समझे, ठीक है ना। एक तो एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, राधिका विल लर्न इंग्लिश, इसका जब हम लोग पी वी बनाएंगे यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा इंग्लिश विल बी लर्नड बाय राधिका, क्लियर है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। यस, द गर्ल्स, द गर्ल्स, गर्ल्स विल डेकोरेट, डेकोरेट
my room. The girls will decorate my room. Clear है? दूसरा example लेते हैं. She will buy a new laptop. ठीक है? She will buy a new laptop. तीसरा. They will repair the road. Yes. मैंने यहाँ पर तीन example लिया. पहला example हम लोग का the girls will decorate my room. उसके बाद second example है she will buy a new laptop. और तीसरा यानी third हम लोग का they will repair the road. Clear है? ये सब active voice में है. किस में है? Active voice. इसका हम लोग को PV बनाना. क्या बनाना है? PV यानी passive voice. तो क्या बन जाएगा? सबसे पहले object बन जाएगा subject. यानी my room हम लोग यहाँ पर object है तो subject बन जाएगा ना. My room will be decorated का भीतरी हो जाएगा decorated by the girls. My room will be decorated by the girls. दूसरा example क्या है? She will buy a new laptop. तो क्या हो जाएगा? A new laptop will be bought by her. क्लियर है? यहाँ पर हर क्यों है? सी का ऑब्जेक्टिव हर हो जाएगा. क्या बन गया? अ न्यू लैपटॉप विल बी बॉट बाय, उसके द्वारा एक नया लैपटॉप खरीदी जाएगा. क्लियर है? दे विल रिपेयर द रोड. तो क्या हो जाएगा? द रोड विल बी रिपेयर्ड. द रोड विल बी रिपेयर्ड बाय, दे का जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हो जाएगा देम. यस, पीवी सीख गया हम लोग. पीवी यानी पॉजिटिव किस तरह से बना, देख लिए. पहला क्या है? द गर्ल्स विल डेकोरेट माई रूम, तो बन गया पैसिव वॉइस. माई रूम विल बी डेकोरेटेड बाय द गर्ल्स. सेकंड क्या है? सी विल बाय अ न्यू लैपटॉप. अ न्यू लैपटॉप विल बी बॉट बाय हर. थर्ड क्या है? दे विल रिपेयर द रोड. द रोड विल बी रिपेयर्ड बाय देम. आई विल बाय अ कार. अ कार विल बी बॉट बाय मी. माई मदर विल कुक फूड. Food will be cooked by my mother. Clear है? यानी हम लोग पॉजिटिव देख लिए कि पॉजिटिव किस तरह से बना था. हम लोग पॉजिटिव देख लिए. अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव तो देख लिए, नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव जो बोलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं. इसी का देखते हैं. ठीक है, पहला क्या हम लोग का एग्जाम्पल क्या था? द गर्ल्स विल डेकोरेट माई रूम. ये हम लोग का एग्जाम्पल था एक्टिव वॉइस में. उसका पीवी जब हम लोग बनाए तो क्या बन गया? द माई रूम विल बी डेकोरेटेड बाय द गर्ल्स. क्लियर है? जब नेगेटिव बनाएंगे तो वॉन्ट आ जाएगा, तो बन जाएगा माई रूम वॉन्ट बी डेकोरेटेड बाय द गर्ल्स. नेगेटिव बन गया माई रूम वॉन्ट बी डेकोरेटेड बाय द गर्ल्स. क्लियर है? जब सवाल बने, देखिए दो भर में, तो पहला वाला भर बाहर आएगा यानी विल बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा थोड़ा इस तरफ लिखते हैं. ठीक है, विल माई रूम बी डेकोरेटेड बाय द गर्ल्स. क्लियर है? जब नेगेटिव सवाल बनाएंगे तो हो जाएगा वॉन्ट माई रूम बी डेकोरेटेड बाय द गर्ल्स. ये चारों बनाने सीखे, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन,
नेगेटिव क्वेश्चन, ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्वेश्चन, ये नेगेटिव क्वेश्चन, क्लियर है? तो क्या हम लोग का एग्जांपल, द गर्ल्स विल डेकोरेट माय रूम, ये एक्टिव वॉइस में, इसका पी भी हम लोग चारों देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन। तो पहला क्या बन गया, माय रूम विल बी डेकोरेटेड बाय द गर्ल्स, नेगेटिव बन जाएगा, माय रूम वॉन्ट बी डेकोरेटेड बाय द गर्ल्स। सवाल बन जाएगा, विल माई रूम बी डेकोरेटेड बाय द गर्ल्स, नेगेटिव सवाल बन जाएगा, वॉन्ट माई रूम बी डेकोरेटेड बाय द गर्ल्स, क्लियर है? दे विल कट द ट्रीज, तो क्या हो जाएगा, द ट्रीज विल बी कट बाय देम, द ट्रीज वॉन्ट बी कट बाय देम, विल द ट्रीज बी कट बाय देम, वॉन्ट द ट्रीज बी कट बाय देम, क्लियर है? आई विल लर्न इंग्लिश, इंग्लिश विल बी लर्नड बाय मी, English won't be learnt by me. Will English be learnt by me? Won't English be learnt by me? यानी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में भी चारों बनाना सीख गए, पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन, क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड किस तरह से बनाएंगे और डब्ल्यू एच वर्ड को लिंक किस तरह से करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में, चलिए देखते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्ट पैसिव, जो कि हम लोग उसमें जो है बाय प्लस एजेंट का काम नहीं रहेगा, यानी बाय का रोल नहीं रहेगा उसमें, बाय प्लस एजेंट का रोल नहीं रहेगा। हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्लियर है? ये हम लोग का डब्ल्यू एच वर्ड का फॉर्मूला है। जब हम लोग उसका पी भी बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद आएगा विल या सेल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा वी थ्री, वी थ्री के बाद आएगा बाय, बाय के बाद आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, क्लियर है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, वेयर विल ही लर्न इंग्लिश, वह कहाँ अंग्रेजी सीखेगा? देखिए ये हम लोग का क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड का एक्टिव वॉइस, वेयर विल ही लर्न इंग्लिश, सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस, इसका पी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड जैसे वैसे लिखेंगे, वेयर का वेयर लगाएंगे, वेयर, ठीक है? उसके बाद विल ही लगेगा, वेयर विल, सब्जेक्ट हम लोग बन जाएगा इंग्लिश, वेयर विल इंग्लिश, उसके बाद आएगा बी, लर्न का भीतरी लर्नड बाय, और ही का जब हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हिम, ये हम लोग का पैसिव बन गया। तो क्या बन गया, वेयर विल इंग्लिश बी लर्नड बाय हिम, क्लियर है? ये हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड का पी भी, इस तरह से जो भी डब्ल्यू एच वर्ड है, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, When, ये सब लिंक करके बना लेंगे अपने से, बिल्कुल क्लियर है? यानी हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन भी देख लिए और डब्ल्यू एच वर्ड में किस तरह से बनाते हैं वो भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ और, जिसके हम लोग कहते हैं डायरेक्ट पैसिव, जिसमें हम लोग का बाय का बात नहीं होता, यानी जो बाय है उसका काम नहीं होता, उसका हम लोग डिस्कस नहीं करते, ठीक है? डायरेक्ट पैसिव देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस भी थ्री, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म, फुल स्टॉप, क्लियर है? ये जो है देखिए, इसमें बाय का रोल नहीं है तो इसे हम लोग डायरेक्ट पैसिव बोलते हैं। डायरेक्ट पैसिव ये जो स्पेशली बोलने के लिए यूज होता है, बोलने और लिखने के लिए, ज़्यादा हर वर्ब के द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना, डायरेक्ट पैसिव, इसका एक्टिव नहीं होता है, क्लियर है? यस, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा किताबें खरीदे जाएंगे। अब किताबें खरीदे जाएंगे, अब किताब कौन खरीदेगा नहीं पता, डायरेक्ट पैसिव में है, क्लियर है? अरुण को सजा दिया जाएगा, क्लियर है? अरुण को सजा दिया जाएगा, इसमें देखिए डूअर का भाव नहीं हो रहा, कौन कर रहा नहीं पता, बस
से बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मैं यानी डायरेक्ट पैसिव, इसका एक्टिव होता ही नहीं, अगर बोलते इसका एक्टिव क्या होगा, इसका एक्टिव होता ही नहीं, ऑलरेडी पैसिव में, ठीक है। यस, तो किताबें खरीदे जाएंगे, किताबें जो हिंदी के पता चल रहा ज़्यादा है, किताबें तो बुक्स हो जाएगा, बुक्स विल बी बॉट, किताबें खरीदे जाएंगे, बुक्स विल बी बॉट। अरुण को सजा दिया जाएगा, अरुण विल बी पनिश्ड, अरुण विल बी पनिश्ड, क्लियर है। आम तोड़े जाएंगे, द मैंगोज विल बी प्लक्ड, मार्कर खरीदा जाएगा, मार्कर्स विल बी बॉट, अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश विल बी टॉट, होमवर्क बनाया जाएगा, होमवर्क विल बी मैड, क्लियर है। यानी हम लोग डायरेक्ट पैसे भी देख लिए, इसका जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे कि किताबें खरीदे जाएंगे तो बुक्स विल बी बॉट, बुक्स वॉन्ट बी बॉट, विल बुक्स बी बॉट, वॉन्ट बुक्स बी बॉट, क्लियर है। दूसरा क्या है, अरुण विल बी पनिश्ड, अरुण वॉन्ट बी पनिश्ड, सॉरी विल अरुण बी पनिश्ड, वॉन्ट अरुण बी पनिश्ड। यानी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी देख लिए, किस तरह से पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन नेगेटिव बनाते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड को किस तरह से लिंक करते हैं और डायरेक्ट पैसिव किस तरह से बनाते हैं। यानी हम लोग का जो सिंपल वाला जो चीज़ था, सिंपल तीनों टेंस का कंप्लीट हो गया, पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया सिंपल पास्ट टेंस और तीसरा हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि हम लोग तीनों टेंस यानी तीनों टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख गए, क्लियर है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग जरा इसको बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल तीनों में दे रहे हैं जो भी हम लोग सिंपल अभी तक पढ़े, तो इसी के साथ हम लोग का तीनों जो है सिंपल कंप्लीट हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग देख लिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं एग्जाम्पल, पांच टू एग्जाम्पल दे रहे, तुरंत बनाएंगे अपने से, ठीक है ना। यस, हाउ डज सी स्पीक इंग्लिश, हाउ डज सी स्पीक इंग्लिश, क्लियर है। दूसरा, वेयर डिड ही बाय द कार, वेयर डिड ही बाय द कार, ठीक है। तीसरा, यू विल beat him. चौथा, when does he take an exercise, ठीक है। पांचवा, why will they cut the trees, ठीक है। यस, यहाँ पर मैंने पांच एग्जांपल दिया आप लोगों को, पांच एग्जांपल तीनों टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी है, सिंपल पास्ट में भी और सिंपल फ्यूचर टेंस में, तीनों में है सब। ये एक्टिव वॉइस है, इसका पीवी बनाना, क्या बनाना है, पीवी यानी पैसिव वॉइस, जो जल्द से जल्द बनाएंगे और प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही निपुण होते। प्रैक्टिस और कोशिश, ये दो चीज़ आप अगर करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे करते, आपको निपुण होने से कोई नहीं रोक सकता। जल्द से जल्द बना लीजिए। पहला हम लोग का है, हाउ डज शी स्पीक इंग्लिश, लिख लें। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर, how is English spoken by her, ऐसे बनाए तो टिक मारे, हाउ इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर। दूसरा क्या है, वेयर डिड ही बाय द कार, इसका पी भी बनाना है, where was the car bought by him, ऐसे बनाया, चेक मारिए, where was the car bought by him। तीसरा का, you will beat him, तो him का हम लोग जब बनाएंगे सब्जेक्ट क्या हो, he हो जाएगा, he will be beaten by
यू ही विल बी बिटन बाय यू. चौथा क्या, when does he take an exercise, तो क्या हो जाएगा, when is an exercise taken by him, तो क्या बन गया, when is an exercise taken by him. ठीक है, पांचवा क्या, why will they cut the trees, तो why will the trees be cut का भीतर कट ही होता by them. यस, ऐसे बनाए थे, तो पांचों को टिक मारिए, राइट है. यानी हम लोग का तीनों टेंस के हम लोग पैसिव वॉइस सीख ले, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस. बस कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करना चालू कर दिए और कीप ऑन प्रैक्टिस, बस के प्रैक्टिस करते रहे. सो कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोज एट होम रेगुलरली विदाउट एनी कॉस्ट एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश विद अस. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इससे हम लोग जो भी नया वीडियोज बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. थैंक यू, जस्ट कीप watching our videos. I will be back with a new video. Thank you very much. Thank you.